क्या आप जानते हैं कि ताजमहल बिना सीमेंट का बना है? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई उल्लू किसी और को बनाना है ना, लेकिन ये सच है। तो आखिर इतने सालों से ताजमहल इतनी मजबूती के साथ कैसे एक ही जगह पर डटा है और अपनी खूबसूरती से पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है? दुनिया में बहुत सी ऐसी रोचक चीजें हैं जो लोगों के लिए आज भी रहस्य बनी हुई है। कई लोग इन चीजों के रहस्य को रहस्य ही रहने देते हैं, वहीं कई ऐसे प्राणी भी होते हैं जो इसकी तह तक भी जाते हैं। ताजमहल तो आपने देखा ही होगा, इसका इतिहास भी लोग जानते ही हैं, लेकिन ताजमहल के बारे में आज भी कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते। अब तक हम ताजमहल के बारे में ऐसी कई जानकारियां आप तक पहुंचा भी चुके हैं, इसलिए आज एक नई जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं। यकीन मानिए, इसके बारे में ना पहले कभी सोचा होगा और ना ही सुना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में ये लाल रंग की घंटी भी जरूर दबा दें। दुनिया के 8 अजूबों में एक ताजमहल की खूबसूरती की लोग मिसाल देते हैं। ये एक ऐसा अजूबा है जो अपनी खूबसूरती के साथ प्यार के एहसास के लिए भी जाना जाता है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ताजमहल के कई दिलचस्प तथ्य और मीत वर्षों से हमारे सामने आए हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक इतिहास भी कल्पना से ज्यादा आकर्षक है। दुनिया के न्यू 7 वंडर्स 200 में मौजूदा स्मारकों के चयन से वर्ल्ड ऑफ वंडर्स चुनने के लिए 2000 में एक अभियान शुरू किया गया था। लोकप्रियता के सर्वेक्षण का नेतृत्व कनाडा स्विस बर्नार्ड वेबर द्वारा किया गया था और न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन के द्वारा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था, जिसमे विजेता 7 जुलाई 2007 को लिस्बन में घोषित किए गए थे। में से एक ताजमहल को भी चुना गया था। भारत का सबसे प्रतिष्ठित मकबरा, जो प्यार के लिए जाना जाता है, जिसने लाखों दर्शकों को अपनी सुंदरता के लिए अपनी ओर खींचा है। शानदार संरचना और बेमिसाल कारीगरी को देखने के लिए हर साल 70 लाख से अधिक पर्यटक ताजमहल देखने के लिए आते हैं। ताजमहल भारत का लोकप्रिय पर्यटन और आकर्षण का केंद्र है, लेकिन कई पर्यटक इसकी असली इतिहास को नहीं जानते। मुमताज शाहजहां की तीसरी पत्नी थी, जिसकी मौत उनके 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गई थी। उस समय मुमताज की उम्र 40 वर्ष की थी। मरने से पहले मुमताज 30 घंटों तक प्रसव पीड़ा में रही थी। ताजमहल के चारों ओर 4 मीनारों का निर्माण मुख्य संरचना से दूर किया गया था और इन्हें सीधे खड़े रखने के बजाय बाहर की ओर थोड़ा झुकाया गया था। यह ताजमहल के केंद्रीय भाग को सुरक्षित करने के लिए किया गया था, ताकि उन मीनारों में से एक भी मीनार गिरे तो उसके केंद्रीय संरचना को कोई नुकसान न पहुंचे। ताजमहल को एक सक्रिय रूप से मस्जिद के तौर पर भी काम में लिया जाता है। यहाँ हर शुक्रवार को प्रार्थना के लिए इसे बंद रखा जाता है। ताजमहल से जुड़ा सबसे बड़ा मीत ये रहा है कि इसका निर्माण कराने वाले कारीगरों को मौत के घाट या उनके हाथ काट दिए गए थे, ताकि वे ऐसी खूबसूरत और बेमिसाल स्ट्रक्चर किसी और के लिए ना बना सके, लेकिन इन सब का कोई सबूत नहीं मिला। जबकि इतिहासकारों का कहना था कि उन्हें बस एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कराए गए थे। दोस्तों, ताजमहल बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वो इसलिए क्योंकि शाहजहां का ताजमहल साल 1631 से लेकर साल 1648 के बीच बनकर तैयार हुआ था। यहां सवाल ये है कि उस वक्त दुनिया में सीमेंट का आविष्कार हुआ ही नहीं था, तो फिर शाहजहां का ताजमहल बना कैसे? दरअसल बात ऐसी है कि उस दौर में जब सीमेंट नहीं बना था, तब प्राचीन इमारतों को बनाने के लिए एक खास पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल बनाने के लिए भी इसी पेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, बतासे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकर को मिक्स किया गया। इसके बाद उसे चूने के पानी में मिलाया जाता था। इस तरह से एक सेमी सॉलिड मटेरियल तैयार करके ताजमहल जैसी इमारत को तैयार किया जाता था। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि इस देसी जुगाड़ से ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार की जाती थी और आज तक वो इसी मजबूती से टिकी है।
1632 के आसपास निर्माण की शुरुआत हुई और 1653 के खत्म होने के साथ ही ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा। इसके बाद छोटे शोधन जारी रहे। उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्हें आम तौर पर ताजमहल का मुख्य वास्तुकार माना जाता था, वो भारतीय नहीं थे, वो ईरान के फारसी थे। इस्लामिक परंपरा कब्रों की सजावट के लिए मना करती है, इसलिए शाहजहां और उसकी पत्नी को वास्तव में ताजमहल के मुख्य आंतरिक कक्ष के नीचे एक सादे तहखाने में दफन किया गया था। शाहजहां की अन्य पत्नियों को, यहां तक कि उसके पसंदीदा नौकर को भी ताजमहल के बाहर मकबरों में दफनाया गया था। ताजमहल के निर्माण में अनुमानित 32 मिलियन भारतीय रुपए यानी उस समय 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का खर्च आया था। ये माना जाता है कि ताजमहल के पश्चिमी भाग की संरचना का उपयोग गेस्ट हाउस के रूप में किया जाता रहा था। दोस्तों, अब आइए कुछ ऐसे ताजमहल से जुड़े सवालों का जवाब आपको देते हैं जिनका सही और सटीक जवाब किसी को नहीं पता। क्या ताजमहल एक मंदिर था? दोस्तों, इतिहासकार पुरुषोत्तम ओक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं। सबसे पहले ये कि मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वो हिंदू मंदिर की तरह है। ये शिखर कलश 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब ये कांसे का बना है। आज भी हिंदू मंदिरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। ये हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा और कलश की नोक मिलाकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। इसका शिखर एक उल्टे रखे कमल से अलंकृत है। यह गुंबद के किनारों और शिखर पर सम्मिलन देता है। क्या मुमताज के नाम पर रखा गया मुमताज महल? पुरुषोत्तम लिखते हैं कि महल शब्द मुस्लिम शब्द नहीं, अरब, ईरान, अफगानिस्तान आदि जगह पर एक भी ऐसी मस्जिद या कब्र नहीं है जिसके बाद महल लगाया गया हो। ये भी गलत है कि मुमताज के कारण इसका नाम मुमताज महल पड़ा, क्योंकि उनकी बेगम का नाम था मुमताउल जमानी। अगर मुमताज के नाम पर इसका नाम रखा होता तो ताजमहल के आगे मुम को हटा देने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। ताजमहल एक कब्रगाह या महल? कब्रगाह को महल क्यों कहा गया? मकबरे को महल क्यों कहा गया? क्या किसी ने इस पर कभी सोचा? क्योंकि पहले से निर्मित एक महल को कब्रगाह में बदल दिया गया। कब्रगाह में बदलते वक्त उसका नाम नहीं बदला गया। यहीं पर शाहजहां से गलती हो गई। उस काल के किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेज एवं अखबार आदि में ताजमहल शब्द का जिक्र नहीं आया। ताजमहल को ताजे महल समझना हास्यास्पद है। ताजमहल के बंद तहखाने का डरावना रहस्य क्या है? दरअसल ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू कराया गया था और साल 1653 में बनकर तैयार हुआ, और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे है। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है ये के भीतर भी उतनी ही गहराई तक बनाया गया है। उस जमाने में कोई भी किला बनाया जाता था तो उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी बनाया जाता था, और ऐसा ही ताजमहल के भीतर भी है। इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन और रहस्यमयी तहखानों की तरह उस रास्ते को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया। ताजमहल के नीचे के इन कमरों को ईंटों से बंद करवाया गया, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि जिन ईंटों से तहखाने को बंद किया गया है, इन ईंटों का निर्माण इन कमरों के बाद किया गया। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि जो इन कमरों को बनाने के बाद इन्हें बंद करना पड़ा? कुछ पुरातत्व विज्ञान और शोधकर्ताओं की इस पर अलग अलग राय है। कुछ का मानना है कि इन तहखानों में मुमताज महल की कब्र को रखा गया था और उन कमरों को सरकारी तौर पर बंद किया गया है, लेकिन ऐसा क्यों किया गया इसकी पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है। कुछ पुरातत्व शास्त्री और लेखकों का ये कहना है कि इस जगह पर पहले एक शिव मंदिर था और उसे तेजो महालय कहा जाता था। बाद में उसके ऊपर ताजमहल का निर्माण करवाया गया।
इसलिए यह तहखाने ताजमहल से भी पुराने हैं। लेकिन अब एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सामने आ रही है, जिसके अनुसार ताजमहल के नीचे इन तहखानों में कीमती खजाने भी हो सकते हैं, क्योंकि मेटल डिटेक्टर से इनके नीचे कई तरह की धातुएं होने की पुष्टि हुई है। लेकिन पुरातत्व शास्त्रियों का ये भी मानना है कि इसके अंदर कई ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास तक को बदल सकते हैं। इन तहखानों की खोजबीन की खबर तो काफी आई, लेकिन इसे कभी खोला नहीं जा सका। इनमें से कई दरवाजे तो खोले गए, लेकिन बाद में बंद कर दिए गए, जिससे ये रहस्य और भी गहरा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ताजमहल के निर्माण के लिए भारी सामग्री और आपूर्ति परिवहन के लिए 1000 से ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था? संगमरमर में कुल 28 प्रकार के कीमती और अर्ध निर्मित गहने स्थापित हैं। फिरोजा तिब्बत से आया था और जेड चीन से आया था भारी सफेद संगमरमर। प्रमुख निर्माण सामग्री राजस्थान से लाया गया था। ब्रिटिश सैनिकों ने 1857 में सिपाही विद्रोह के दौरान ताजमहल की दीवारों से कीमती पत्थरों को छीन या तोड़ लिया था। बड़े पैमाने पर ताजमहल की परियोजना में योगदान देने के लिए पूरे एशिया से अनुमानित 20,000 मजदूरों की भर्ती की गई थी। उनके बड़े पैमाने पर अतिक्रमण, बाजार और रहने वाले क्वार्टर अवशेष हैं। ताजमहल के पूरा होने के बाद शाहजहां को 1658 में उसके बेटे औरंगजेब ने नजरबंद कर दिया। जर्मन, जापानी और पाकिस्तानी बमवर्षक पायलटों को भ्रमित करने के लिए विभिन्न संघर्षों के दौरान ताजमहल के चारों ओर झूठी संरचनाओं और मचान का निर्माण किया गया था और उसे ढक दिया गया था ताकि वह ऊपर से दिखाई ना दे। आगरा में भयानक वायु प्रदूषण के कारण ताजमहल का सफेद संगमरमर तेजी से पीला हो रहा है। ताजमहल के पास केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की अनुमति है और उत्सर्जन को नियंत्रित करने में मदद करने के लिए स्मारक के चारों ओर 4000 वर्ग मील का पर्यावरण त्रिज्या घोषित किया गया था। ताजमहल की संरचना वास्तव में उसके नीचे भूजल की कमी के कारण भयानक दर से टूट रहा है। आपको बता दें कि ताजमहल को 2007 में नए 7 अजूबों में एक घोषित किया गया। ये प्रोसेस वोटिंग के द्वारा कराई गई, जिसमें ताजमहल को 100 मिलियन से ज्यादा वोट मिले। साल 2008 में एक बांग्लादेशी फिल्म निर्माता ने 56 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण किया, ताकि बांग्लादेश में वहां के गरीब भारत देश की यात्रा किए बिना प्रसिद्ध स्मारक का आनंद ले सके। प्रतिकृति को आधुनिक उपकरणों के साथ पूरा करने में 5 साल लग गए। दुबई में ताज से प्रेरित एक लग्जरी होटल, इवेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण चल रहा है। ताज अरब जैसा ही प्रतिकृति कहा जाता है। मूल के आकार का 4 गुना होगा और अनुमानित $1 बिलियन खर्च आएगा। 20 मंजिला ग्लास होटल में 350 लग्जरी कमरे होंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।